ओम नमः शिवाय। अब बताओ मित्र, इसके दर्शन कब कराओगे? अब दर्शन का हठ ना करो तो उचित होगा। तुम मेरे हठ करने पर आपत्ति ना करो तो अधिक उचित होगा। मेरी आपत्ति के पीछे छिपे सत्य को तुम समझ नहीं रहे हो राजकुमार। बहुत हो गया मित्र सुश्वेत, बहुत हो गया। ये नीचे और पीछे कौन से सत्य छिपे हुए हैं? प्रकट कर दो तो शांति हो जाएगी। अब तुम नहीं मानते तो सुनो। राजकुमारी पद्मजा के जन्म के समय एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि पिता के अतिरिक्त जो भी पुरुष उसे देखेगा उसकी एक वर्ष के पश्चात मृत्यु हो जाएगी। अब मैंने ऐसी तो कोई भी बात नहीं कही जिसमें इतनी हंसी आए। तो क्या रोने वाली बात कही थी तुमने? निसंदेह तुमने हंसने जैसी बात कह डाली है। अरे तुम कहते हो कि उसके पिता के अतिरिक्त उसे देखने वाला केवल एक वर्ष तक ही जीवित रहेगा, किंतु तुमने तो यह चित्र उसे देखकर ही बनाया होगा ना? तो बताओ मित्र कि तुमने उसे कब और कहां देखा, और ऋषि की भविष्यवाणी का प्रभाव तुम पर क्यों नहीं हुआ? ये एक ऐसा रहस्य है जो मैं किसी को भी बता नहीं सकता। मित्र इतना तो बता सकते हो कि राजकुमारी के पिता और तुम्हारे अतिरिक्त और किस किस ने देखा है उसे? किसी ने भी नहीं। ऋषि की भविष्यवाणी और देखने के दुष्परिणाम को ध्यान में रखकर महाराज पद्मनाभ ने पद्मजा को आजीवन अविवाहित रखने का निश्चय करके रत्न महल के एक ऐसे कक्ष में रखा है जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच सकती। पर तुम तो पहुंचे हुए हो वहां तक। मैंने कहा ना, वो एक रहस्य है। मित्र तुम्हारे रहस्य को तुम जानो, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मेरे परम मित्र होने के नाते पद्मजा को दिखाने का उपाय तुम्हें ही करना होगा, अन्यथा उसके वियोग में तड़प तड़प कर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये जानते हुए भी कि राजकुमारी पद्मजा को देखने वाला पुरुष एक वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सकता। मित्र ऐसे दिव्य सौंदर्य के दर्शन करने के पश्चात एक वर्ष से अधिक जीवित रहने का लाभ भी क्या है? मैं तुम्हारा मित्र हूं राजकुमार, तुम्हारा शत्रु नहीं। मैंने कब तुम्हें शत्रु कहा है? तुम्हें पद्मजा के दर्शन कराकर तुम्हारे जीवन को असुरक्षित कर देना क्या मित्रता होगी? निसंदेह इसे शत्रुता ही कहा जाएगा। कौन कहेगा ऐसा? मैं तो नहीं कहूंगा, जगत कहता है तो कहने दो, मैं तो इसे सच्ची मित्रता ही कहूंगा। फिर भी मेरा मन नहीं मानता। मित्र इस समय अपने मन को नहीं मेरे मन को मनाओ, मेरी आतुरता से पूर्ण पुकार सुनो। तत्पश्चात संपूर्ण जगत के व्यंग भी सुनो। जगत में अपने मित्र के लिए मित्र प्राण तक बलिदान कर देते हैं, फिर मेरी इच्छा पूर्ति के लिए तुम व्यंग तक नहीं सुन सकते? फिर कहना पड़ता है कैसे मित्र हो तुम? बार बार मेरी मित्रता को क्यों ललकारते हो? ठीक है, मैं तुम्हारा हठ मान लेता हूं, किंतु वो एक वर्ष वाली बात ध्यान में रखना। अरे उसे न देखकर भी जीवित कहां रह सकूंगा, इसलिए तुम उसकी तनिक भी चिंता ना करो। अब तुमने निश्चय कर ही लिया है तो आओ मेरे साथ। नहीं पुत्र नहीं, सब कुछ जानते समझते हुए मैं तुम्हें मृत्यु के मुख में नहीं जाने दूंगी। मैंने वर्षों के जप तप और उपासना के पश्चात भगवान शिव की कृपा से तुम्हें प्राप्त किया,
मैं तुम्हें पद्मजा के पास कदापि नहीं जाने दूंगी। और सुश्वे, तुम इसकी बातों में आकर इसे कहां लिए जा रहे हो? तुम मित्र हो और मित्रता का व्यवहार ही करो। चिंता न करो माँ, मैं भी तो शिव भक्त हूँ। यदि मैं पद्मजा से मिलूंगा तो मैं उसे कहूंगा कि भगवान शिव की आराधना करके अपने जीवन पर लगा ये कलंक धो डाले। परंतु माँ, यदि इस समय तुमने मुझे उसके पास जाने से रोका तो मैं उसके वियोग में तड़पता रहूंगा और मेरे प्राण अवश्य ही संकट में पड़ जाएंगे। इसलिए मुझे जाने की आज्ञा देने में ही मेरा हित है माँ। अब क्या होगा भोलेनाथ? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाराज, क्या हुआ है महारानी केतुमती, इतनी व्यग्र क्यों हो? व्यग्र होने का कारण है महाराज, यदि माता का एकमात्र पुत्र जीवन से विमुख हो मृत्यु की दिशा की ओर अपना पग धर दे तो माता के लिए व्यग्रता का कारण बनता है महाराज। तुम क्या राजकुमार विष्णुध्वज के विषय में कुछ कह रही हो? स्वामी, क्या हुआ उसे, क्या किया उसने? अब तक तो कुछ नहीं हुआ स्वामी, किंतु अब वह जो करने जा रहा है उससे अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा स्वामी। महारानी, तुम रोती रहोगी और अस्पष्ट बात करती रहोगी तो हम कैसे जान पाएंगे कि राजकुमार विष्णुध्वज को क्या हुआ है? जो कहना है स्पष्ट कहो। महाराज, पद्मदेश की राजकुमारी पद्मजा का चित्र देखकर हमारा विष्णुध्वज उस पर मोहित हो गया और वो उसे देखने सुश्वेत के साथ वहां जा रहा है। तो इसमें अनर्थ जैसी क्या बात है? मोहित होने की स्थिति तो युवावस्था में स्वाभाविक ही है। नहीं महाराज, नहीं, राजकुमारी पद्मजा अभिशापित है। जो पुरुष उसे देख लेगा वो एक वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होगा और हमारा विष्णुध्वज उसे देखने गया है। ये तो चिंता का विषय है महारानी, किंतु इस सत्य को भी समझ लो कि भगवान शिव की इच्छा के बिना इस जगत में कुछ भी घटित नहीं होता। हमारे चाहने अथवा न चाहने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो भोलेनाथ चाहेंगे, और वे कभी अशुभ कुछ नहीं चाहते। हमारा विष्णुध्वज उन्हीं की कृपा की देन है, इसलिए विश्वास रखो वे हमारे पुत्र की रक्षा अवश्य करेंगे। तुम्हें व्यर्थ ही चिंता नहीं करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, 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 आप ही का आश्रय है प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एकमात्र आप ही का आश्रय है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, विष्णुज आप ही की कृपा का फल है प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कृपा करना, ओम नमः शिवाय, मेरे विष्णुज की रक्षा करना प्रभु, मेरे वृष्टवज की रक्षा करना, मेरे वृष्टवज की रक्षा करना। मित्र सुश्वेत, सरोवर पास में है, कण सूख रहा है, जल पीकर तनिक विश्राम करते हैं। अति उत्तम विचार है वृष्टवज, सरोवर के शीतल जल से स्फूर्ति भी आएगी। आओ चलो।
शिवशंकर भगवान भोलेनाथ अपने इस भक्त की कामना पूर्ण करो। राजकुमारी पद्मजा को अभिशाप से मुक्त करो भगवान, मुक्त करो। हे महेश्वर कृपा करो, मेरे मित्र राजकुमार वृषध्वज की मनोकामना पूर्ण करो प्रभु, पूर्ण करो। राजकुमार वृषध्वज ने राजकुमारी के हित में प्रार्थना की और उसके मित्र सुश्वेत राजकुमार के लिए मंगल कामना की। इस प्रकार दोनों शैल पर्वत और गणेश लोक ले जाने आए हैं। कुमार कार्तिकेय, भगवान भोलेनाथ हमें इस समय दो नए शिव भक्तों की कथा सुना रहे हैं। कथा अभी अपूर्ण है, जब कथा पूर्ण हो जाए तब आप अवश्य ही इन दोनों को ले जाएं। कृपा कर हमारी ये प्रार्थना अवश्य स्वीकार करें। प्रभु, क्या आप हमारे आग्रह पूर्ण आमंत्रण से अधिक शिवगण की कथा को महत्व देंगे? कथा तो आप लौटने पर भी सुना सकते हैं। तुम अपनी माता को ले जाओ, हम नारद और शिवगण को कथा सुनाकर स्वयं तुम्हारे पास आ जाएंगे। भला मैं कथा क्यों न सुनूं और अकेले क्यों जाऊं? जाएंगे तो हम दोनों ही साथ जाएंगे। शीघ्र ही तुम्हारे पास आएंगे पुत्रों, निश्चिंत रहो। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। जल पीने के पश्चात दोनों मित्र पदम देश के राज उद्यान में पहुंचे और तब महाराज पद्मनाम के महल का उद्यान सामने है वृषध्वज, चलो वहां चलो। चलो सावधान वृषध्वज, यदि पकड़े गए तो सीधे कारावास। आओ करती है, कड़ा से कड़ा पहरा रहता है वहां पर, कोई भी पुरुष वहां प्रवेश नहीं कर सकता। सच सुश्रुत, यह तो बहुत कड़ा पहरा है,
बाहर का कोई भी व्यक्ति यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता, तो फिर हम भीतर कैसे जाएंगे? जिस प्रकार से मैं राजकुमारी पद्मजा की एक झलक पाने के लिए नीलम कक्ष में गया था, उसी प्रकार से तुम भी जाओगे। ठहरो। ओहो, तो पहुंच गए मेरे प्रियतम, मुझे बुला रहे हैं, जाना तो अवश्य पड़ेगा। चलो उद्यान से फूल चढ़ लाती हूँ। सुश्वेत, तुम तो दिन प्रतिदिन रहस्यमय होते जा रहे हो, और केवल रहस्यमय ही क्यों, मुझे तो लगता है रसिक भी हो गए हो। तुम यदि बार बार मित्रता की दुहाई दोगे तो मुझे भविष्य में न जाने कौन कौन से रूप धारण करने होंगे। ऋष्टवज, मैं अपने प्राणों पर कोई भी आघात सह सकता हूँ, परंतु मित्रता पर नहीं। वो तो मैं समझ ही रहा हूँ। अब ये बताओ, राजकुमारी पद्मजा के दर्शन कब? धैर्य रखो, वहां तक पहुंचने में अब अधिक समय नहीं है।